हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास वंस अगेन। और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया अपने वेबसाइट पे। तो ये केस स्टडीज़ के जो क्वेश्चंस है उन सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आज कुछ वीडियो सॉल्व करेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगी उसको नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर आगे की वीडियोज़ को भी एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा कि आपको आगे के जो वीडियोस आएंगे उसका जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, और फर्स्ट क्वेश्चन है रियल नंबर्स का केस स्टडी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। टू एनहांस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड टू ऑफ योर फ्रेंड्स टू सेट अप अ स्कूल सेट अप अ क्लास लाइब्रेरी। देर आर टू सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ ग्रेड 10। देर आर 32 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड 36 स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी। तो ये था केस स्टडी का जो पैराग्राफ दिया होता है। अब आपको इस पे क्वेश्चन करना है। तो जो मेन डाटा है यहाँ पे, आपको 32 स्टूडेंट्स है सेक्शन ए में और 36 स्टूडेंट्स हैं सेक्शन बी में, तो इसी का यूटिलाइज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल अक्वायर फॉर दिस क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो इसमें पूछा गया है कि लाइब्रेरी में तुमको कितने मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स चाहिए कि दोनों सेक्शन ए और सेक्शन बी को तुम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सको। तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 32 हैं और 36। तो जब भी तुमको मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स निकालना हो या मिनिमम नंबर ऑफ किसी भी चीज़ का मिनिमम नंबर निकालना हो तो तुम क्या करोगे, तुम उसमें लीस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेना। या फिर तुमको तब भी अगर डाउट हो तो तुम एक बार ऑप्शन की तरफ जाना, अगर तुम्हारे पास ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर तुम ऑप्शन को देखो तो सारे ऑप्शन क्या हैं, बड़े बड़े ऑप्शन से, मीन्स ये सारे ऑप्शन इन दोनों नंबर में कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकते क्योंकि ये नंबर इनसे काफ़ी बड़े हैं। तो इससे ऑब्वियस है कि ये नंबर तो एच सी एफ तो है नहीं, क्योंकि एच सी एफ रहता तो इन नंबर से तो छोटा ही होता फैक्टर। तो ऑब्वियस है ये एल सी एम होगा, तो इसका एल सी एम निकाल लो तो ठीक है। या तो फिर यहाँ से आइडिया लग सकता है मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स। तो चलो अब इसका एल सी एम निकालते हैं। तो इसमें हम यूज़ करेंगे जो तुम लोग फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा है ना उसी का यूज़ करते हैं। तो तुमको तो ऐसे वाला तो आता होगा, ठीक है, ऐसे ये भी यूज़ कर सकते हो तुम, क्योंकि वहाँ पर तुमको अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है तो ऑप्शन टिक करने से मतलब है, जिससे तुम फास्ट कर पाओ। ठीक है, एक मेथड देखो ये है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर ये जाएगा 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, फिर जाएगा 2 4 जा 8, 2 से नहीं जाएगा ना, जिसके बाद जाएगा ये नहीं है। तो देखो कितना हो जाएगा, अगर सबको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 8 into 9 72 और 4, तो 4 2 जे 8, 4 7 जे 28, ऐसे करके वो तुम क्वेश्चन नंबर टिक कर सकते हो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वहाँ पे तो तुमको शो नहीं करना है ना किस मेथड से बना रहे हो। और अगर तुम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना चाहते हो तो उससे भी बना सकते हो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात ये है कि तुम किस मेथड से जल्दी बना पा रहे हो। ठीक है, देखो यहाँ पे तो 32 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 4 8 जे 32 होता है, तो 4 का 2 स्क्वायर हो जाएगा, या ऐसे निकाल दो यहाँ पे देखिए 32, 2 1 जे 2, 2 6 जे 12, 2 8 जे 16 और 2 4 जे 8, 2 2 जे 4, तो ये कितना हो गया, 2 का पावर 5। ठीक है, 2 to the power 5, तो इसको लिख लो यहाँ पे। अब 36 होता है कितना, 4 9 जे 36, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हो जाएगा, कर लो 2 1 जे 2, 2 8 जे 16, 2 9 जे 18 एंड 3 3 जे 9, तो ये क्या हो गया, 2 का स्क्वायर into 3 का स्क्वायर। तो अगर एल सी एम निकालना है तो क्या करोगे, 2 में कौन सा ग्रेटेस्ट पावर वाला है, 2 to the power 5 इंटू 3 का स्क्वायर, मीन्स 2 to the power 5 कितना हो जाएगा, 32 into 9। इसको सॉल्व करोगे तो 9 2 जे 18, 9 3 जे 27 और 1 28। ठीक है, तो 28 ऑप्शन नंबर सी को ऑप्शन नंबर टिक कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एच सी एफ एंड एल सी एम
इज ट्रू देन HCF ऑफ 32 एंड 36। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, तुमको सिंपली HCF निकालना है। HCF कैसे निकालोगी, तो HCF निकालने के लिए 32 और 36 है, तो सेम प्रोसेस सेम मेथड, एक तो ये मेथड 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18। अब देखो इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब और एक प्रोसेस भी है जो तुम्हारा है, कौन सा प्रोसेस है, प्राइम फैक्टराइजेशन, उससे भी करके बता देते हैं। ठीक है, देखो उससे कैसे करोगे, अभी तुरंत देखो इसमें अभी हम लोग इसका फैक्टर्स निकाले थे, किसका, 32 का और 36 का, तो उसी फैक्टर्स से हम लोग तुरंत निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, ये हो गया था 4 9 जो 36, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर था और 32 था, 2 टू द पावर 5। तो अगर HCF निकालना हो तो कॉमन फैक्टर को केवल हम लोग लेते हैं, तो HCF हो जाएगा, कॉमन है 2 और स्मॉलेस्ट पावर है स्क्वायर, तो 2 टू द स्क्वायर 4। इससे भी डायरेक्ट टिक करके बढ़ सकते हो, मीन्स दोनों क्वेश्चन के लिए तुम एक ही बार दोनों के फैक्टर्स निकालो और तुम्हारा LCM भी निकल जाएगा, HCF भी निकल जाएगा, दो क्वेश्चन डन हो गया। और देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स एज, तो देख लो 36 में क्या था, 2 टू द पावर स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर स्क्वायर, इसको भी किया था, तो इसी से सारा ऑप्शन तुम्हारा टिक हो रहा है, दोबारा करने का सारा क्वेश्चन की जरूरत भी नहीं है। तो तीन क्वेश्चन तुम्हारा, ये जो फैक्टर निकाले ना, इसी से तुम्हारा तीन क्वेश्चन ऑलरेडी हो गया, ये इससे। ठीक है, इससे LCM भी निकल गया, HCF भी निकल गया और 36 का प्राइम फैक्टर्स भी निकल गया। ठीक है, अब देखो फोर्थ नंबर क्या है, 7 11 13 15 प्लस 15, तो इसको एक बार लिख लेते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15, तो बताना है ये तुम्हारा प्राइम नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर है, नाइदर प्राइम नोर कॉम्पोजिट है, या तो नन ऑफ द अबव। तो अगर इसमें से हम लोग देखो यहाँ बीच में प्लस साइन है, तो 15 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 1। और प्राइम नंबर का मतलब होता है कि उसमें केवल दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो नंबर खुद और एक वन। ठीक है, टू फैक्टर्स होते हैं तो उसको प्राइम नंबर्स बोलते हैं, लेकिन इस केस में देखो तो 15 एक फैक्टर होगा, ये ब्रैकेट के अंदर है, इसको सॉल्व करोगे तो ये एक नंबर आएगा, ये एक फैक्टर होगा और वन होगा, तो इसमें टोटल 3 फैक्टर्स हो जा रहे हैं, तो प्राइम नंबर तो नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिट नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाओ, पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट पी है ए बी स्क्वायर और क्यू गिवन है ए स्क्वायर बी। ओके, और यहाँ पे बताया गया है ए बी आर प्राइम नंबर्स, देन एलसीएम, तो एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम जब भी फाइंड करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, सारे टर्म को पिक करते हैं, तो यहाँ पे टोटल टर्म कितना है, ए है और बी है, यहाँ पे भी ए बी है, लेकिन हम लोग हाईएस्ट पावर को, तो ए का हाईएस्ट पावर स्क्वायर और बी का हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक केस स्टडी हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को कोई दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आइदर क्लास में या तो फिर जो यहाँ पे यूट्यूब के सेशंस होते हैं उसमें। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें तुमको दिक्कत होनी चाहिए, अगर फिर भी दिक्कत है तो तुम कमेंट कर सकते हो, और जो भी दिक्कत है वो अपना डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट केस स्टडी है, अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक सेमिनार कंडक्ट किया गया एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वेयर द पार्टिसिपेंट्स विल बी एजुकेटर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108 रेस्पेक्टिवली। तो देख लो यहाँ पे लिख लेते हैं, हिंदी है, इंग्लिश है और मैथमेटिक्स है, तो तीनों के नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स गिवन है 60, 84 एंड 108। ओके, तब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दैट कैन अकोमोडेट इन ईच रूम। तो ईच रूम में जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को बैठना है वे सारे एक ही सब्जेक्ट से होने हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने बैठ सकते हैं, तो यहाँ पे वर्ड एक यूज आ रहा है मैक्सिमम, तो यहाँ से आइडिया लग सकता है HCF निकालना है, या तो फिर ऑप्शन से भी आइडिया लग सकता है। देखो ये सारे बड़े बड़े नंबर्स हैं और ये सारे छोटे छोटे नंबर से, मीन्स क्या हो गया, ये HCF हो सकता है, तो HCF निकाल लो एक बार। देखो 60 का प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 12 इंटू 5 60 होता है, तो 12 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। ओके, 84 का फैक्टर्स क्या हो जाएगा,
टू स्क्वायर इंटू थ्री इंटू सेवन। तो ये मैं डायरेक्टली कैसे कर रहा हूँ, अगर तुमको टेबल याद है डायरेक्टली लिख सकते हो। 84 क्या होता है, 12 इंटू सेवन, ठीक है, 12 इंटू सेवन, और 12 को तुम लिख सकते हो 4 इंटू थ्री, 4 को लिख सकते हो टू स्क्वायर, तो टू स्क्वायर इंटू थ्री इंटू सेवन लिख लिए। अब 108 होता है 12 इंटू नाइन, तो 12 को फिर लिख सकते हो टू स्क्वायर इंटू थ्री इंटू, अब 9 को फिर थ्री स्क्वायर लिख सकते हो, तो यह हो जाएगा 3 का क्यूब, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या निकालना है तुमको, एच सी एफ। अब एच सी एफ देख लो कॉमन टर्म क्या है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे है 3, तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 12, तो एच सी एफ हो जाएगा 12। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अगर डाउट है तो कमेंट करके पूछ लो, ठीक है, डाउट नहीं रहना चाहिए माइंड में। अब नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। तो पूछा है कि कितने मिनिमम नंबर्स ऑफ रूम चाहिए तुमको इस इवेंट इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में, ठीक है, मीन्स कितने टोटल नंबर ऑफ रूम्स चाहिए। तो देखो यहाँ पे तुम इससे पहले निकाल चुके हो कि एक रूम में मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, 12, यही है ना, मैक्सिमम दैट कैन अकोमोडेट इन टू, एक सब्जेक्ट से मैक्सिमम 12 स्टूडेंट्स एक रूम में बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे निकाल लो टोटल मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स पूछा है तुमको। तो देखो हिंदी में कितने हैं, 60, तो एक सब्जेक्ट में 12, तो मतलब एक रूम में 12 बैठ सकते हैं, तो 12 से डिवाइड कर लिए। इसी तरह 84 को भी 12 से डिवाइड कर लिए, प्लस 108 को भी 12 से डिवाइड कर लिए। तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 12 को 65 बार जाएगा, प्लस 7 प्लस 9, तो 9 प्लस 7 हो जाएगा 16, प्लस 5 विल बी 21, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से तुम्हारा मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी तरह थर्ड नंबर, द एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108। तो जो तुम ये रफ वर्क करते हो ना, इसको जो तुम्हारे पास एक पेपर दिया होगा उसको क्लीन क्लीन करना, ताकि तुम एक बार लिख के उसी से तीन चार क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, क्योंकि ये जो ग्रुप स्टडी का मतलब मीन्स केस स्टडी का जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सारे क्वेश्चन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं अधिकतर क्वेश्चन, तो तुमको बार बार निकालने की जरूरत नहीं। जैसे देखो यहाँ पे तुमको एलसीएम निकालना है, तो अगर तुम इसको सही से लिखे नहीं होगे ना, तो तुमको फिर से ये चीज़ दोबारा करके निकालना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। तो अगर ये साफ साफ तुम एक जगह लिखे हो, तो देखो इसका यूटिलाइज कर सकते हो, एलसीएम निकालना तो इसी से तुम निकाल लो। एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो एलसीएम हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 सब में है, और 3 में क्या हो जाएगा, 3 का हाइएस्ट पावर क्यूब है, 3 का क्यूब इंटू 5 इंटू 7, तो ये तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 3 का 9, 3 का 27 हो जाएगा, और 5 इंटू 7 हो जाएगा 35। इसको सॉल्व कर लो, 4 से करेंगे या तो, अच्छा यूनिट डिजिट से कर नहीं सकते, अच्छा चलो इसको टोटल तुमको कंप्लीट सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 एंड 9 10 और 35, तो 5 8 जा 40 हो गया, और 5 इन जा 5 हो गया, ठीक है, 3 8 जा 24 हो गया, और 3 1 जा 3 हो गया, तो 0 8 7 3, 3 7 8 0 फर्स्ट ऑप्शन में टिक किए और आगे बढ़ गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी ये जो 3 7 8 0, इसका यूज आगे का क्वेश्चन में हो रहा है, तुम देख सकते हो। देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ 60, 84 एंड 108 इज। तो देखो एल सी एम तो तुम निकाल चुके हो, बस अब एच सी एफ निकालो और दोनों का प्रोडक्ट ले लो। तो इसमें एच सी एफ क्या आ जाएगा, तो यहाँ यहीं से फिर से निकाल लेंगे एच सी एफ। एच सी एफ देखो क्या आता है, एच सी एफ में कॉमन टर्म लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 3 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, तो 3 7 8 0 इंटू 12, तो 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 15, 2 3 जा 6 7, और ये हो जाएगा 0 8 7 3, तो ये कितना आ जाएगा, 0 6 8 और 5 13, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं 0 6 3 3 4 3 6 0, फोर थ्री सिक्स जीरो। एक मिनट रुक जाओ, कहीं पे मिस्टेक हुआ है क्या,
ऑप्शन तो मैच कर नहीं रहा। 3780, ओके, हमारा एलसीएम आया था 3780, और एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ कॉमन टर्म लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3, इसके अलावा तो और कुछ नहीं आएगा, तो 12 ही आएगा। 2 8 16 2 17 14 5 6 7, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 0 6 3 7 2 14 5, अच्छा 4 5 3 6 0 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 4 5 3 6 0, कैलकुलेशन में कहीं पे गड़बड़ हो रहा था। ओके तब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो क्या है, 108 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो 108 तो यहाँ पे तुम निकाले हो कितना था, यहाँ पे देख लो, देखो यहाँ पे तुम्हारे लिए कलर चेंज कर देते हैं, देखो ये क्या था, फैक्टर सीट है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, ऑप्शन नंबर डी। ओके तो 2 केस स्टडी ऑलरेडी हो चुका, थर्ड केस स्टडी की तरफ चलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, मैथमेटिक्स एग्जीबिशन इसका बींग कंडक्टेड इन योर स्कूल एंड वन ऑफ योर फ्रेंड्स इज मेकिंग अ मॉडल ऑफ अ फैक्टर ट्री, ही हैज सम डिफिकल्टी एंड आस्क्स फॉर योर हेल्प इन कंप्लीटिंग अ क्विज फॉर द ऑडियंस। तो तुम्हारे एक फ्रेंड मैथ्स एग्जीबिशन के लिए फैक्टर ट्री बना रहे थे, यहाँ पे सुंदर सा कलरफुल चार्ट पेपर्स का यूज़ करते हुए फैक्टर ट्री बनाने का कोशिश किया है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। और तुम उसको क्या हो रहा है कि कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ क्वेश्चन तुमसे वो पूछ रहा है, ठीक है, कुछ डाउट होगा उसको, तो देखो क्या है क्वेश्चन, क्या क्या पूछता है, चलो तुम उसका फ्रेंड बन जाओ थोड़ी देर के लिए। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये फैक्टर ट्री बनाया और तुमको इस एक्स का वैल्यू पूछा है, तो अगर ये एक्स के फैक्टर्स 2 हैं तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स आ जाएगा, ठीक है, तो एक बार मल्टीप्लाई कर लो, 5 इंटू 2783 कितना आएगा, 5 3 जो 15, 5 8 जो 40, 41, 5 7 जो 35, 39, 5 2 जो 10, 11 12 13, 13915, तो 5 इंटू 2783 करोगे तो 13915 आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सेकंड नंबर देखो क्या पूछा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई, तो यहाँ पे वाई का वैल्यू पूछा है, ये वाला मीन्स क्या हो गया, वाई इंटू 253 करोगे तो तुम्हारा 2783 आना चाहिए, अच्छा यहाँ पे 2 है, इसको 2 लिख लेते हैं, 2783 किसका होगा, इसका फैक्टर्स वाई और 253, तो वाई का वैल्यू निकालना है तो इसको 2783 को डिवाइड कर लो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 253, कितना बार जाएगा, तो देखो एक बार यहाँ पर ऑप्शन पे जाओगे ना, तो ऑप्शन पे देखो 22 है, 11 है, 19 है और 23 है, तो ये कितना बार जाएगा, डायरेक्ट इसको कर ही लो डिवाइड, एक बार जाएगा, एक बार जाने पे कितना आएगा, देखो 253, 2783, तो एक बार गया कितना जा, चल गया 253, तो कितना बचा 5 253 फिर से, तो 111 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जेड, तो यहाँ पे देखो जेड का वैल्यू पूछा है, तो जेड का वैल्यू पूछा है तो 11 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे 253 आ जाएगा, तो सेम प्रोसेस है यहाँ पर भी, 11 इंटू जेड इक्वल्स टू 253, तो जेड हो जाएगा 250, जेड विल बी 253 बाई 11, तो 11 से जाएगा तो 1 11 2 जा 22 हो जाएगा और 11 3 जा 23 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देख लो 14th नंबर क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 13915 इज अ,
13915 क्या है? कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर है, नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट है, इवन नंबर है। तो 13915, बस एक बार तुमको पता चल जाए कि इसका एक से दो से ज़्यादा फैक्टर्स रहते तुम्हारा ऑलरेडी हो जाएगा। तो देख लो यहाँ पे 1 तो इसका फैक्टर होगा, ठीक है, ये नंबर खुद भी होगा 13915। और देखो यहाँ पे 5 है, तो तुम अगर डिविजिबिलिटी रूल तुमको याद होगा तो किसी नंबर के एंड में 5 होता है तो 5 से भी जाता है, तो ये हो जाएगा कॉम्पोजिट नंबर। ओके, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13915 इज, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर निकाल लेते हैं 915, तो 5 से जाएगा तो 5 1 जा 5 2 जा 10, ठीक है, दो बार में गया तो कितना बच गया 39, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 3 जा 50, तो 5 से तो अब जाएगा नहीं। तो एक बार 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से तो जाएगा नहीं, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 8 से, 8 से चेक करने के लास्ट 3 डिजिट चेक कर लो, नहीं 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से एक बार चेक कर लेते हैं, 7 8 9 8 9, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से, 11 से देख चेक कर लो, 8 और 2 कितना हो गया 10, 7 और 3 कितना हो गया 10, 11 से जा सकता है, तो 11 11 इंटू 2 कितना चल गया, 11 2 जा 22, 5 11 5 जा 55, और 11 3 जा 33। ओके, अब देखो फिर से 11 से जाएगा, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, तो 5 इंटू 11 स्क्वायर इंटू 23, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब हम लोग करते हैं पॉलिनोमियल्स की केस स्टडी। तो देखो इसमें केस स्टडी क्या दिया है, उसको केस स्टडी को हम लोग पढ़ लेते हैं। द बिलो पिक्चर आर फ्यू नेचुरल एग्जांपल्स ऑफ पैराबोलिक शेप व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पैराबोलिक आर्क इज एन आर्क इन द शेप ऑफ पैराबोला इन स्ट्रक्चर्स। देयर कर्व्स रिप्रेजेंट्स एन एफिशिएंट मेथड ऑफ लोड एंड सो कैन बी फाउंड इन द ब्रिजेस एंड इन आर्किटेक्चर इन वैरायटी ऑफ। तो इससे ज़्यादा कुछ तुमको लेना देना है नहीं, एक केस स्टडी जो बस तुम इसको डायरेक्ट अब क्वेश्चन के थ्रू कर सकती हो, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, पॉलिनोमियल्स के केस स्टडी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में ज़रूर आना और हमारे इस क्लास को अप्रिशिएट करना, लाइक करना, ठीक है। पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर लो और सब्सक्राइब करते जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।